सो हम लोग है सराफा बाज़ार जो है इंदौर में, एंड इसकी खासियत ये है कि मॉर्निंग में ये होता है पूरा ज्वेलरी मार्केट, तो एंड रात को होता है ये स्ट्रीट फूड टाइप, ठीक है, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है। तो हमारे अहमदाबाद गुजरात में भी ऐसा ज्वेलरी मार्केट है कि जहाँ पे यू नो इन द मॉर्निंग, मतलब इवनिंग तक, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वो पूरा ज्वेलरी मार्केट रहता है, एंड रात को वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रीट फूड की तरह, ठीक है। तो हम इसको पूरा एक्सपीरियंस करेंगे, पूरा मार्केट हम घूमेंगे, एंड देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारी चीज़ें हम खाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूसी और रावण ने है ना स्ट्रीट फूड लिया हुआ है, और मतलब हम वन बाय वन टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या चीज़ है। एंड लूसी भाई आप ये बताओ कि स्ट्रीट फूड आपने लिया हुआ है, मतलब ये फ्रूट चल रहा है अभी फ़िलहाल में स्टार्टिंग में, तो क्या है जो स्टार्टर फ्रूट डिश खा रहे हैं? हाँ स्टार्टर है, फ्रूट डिश खा रहे हैं। अच्छा क्या सीन है भाई तेरा? भाई फ्रूट्स ट्राई किया तेरा, क्या सीन है फिर? अच्छा है भाई, ठीक है, फ्रूट्स तो सही नहीं होता। अच्छा तो तुम्हें नहीं लगता कि आपको ट्राई करवाना चाहिए? इसमें तूने मसाला डाला है कि नहीं डाला है भाई, मेरे को भी टेस्ट करना है। पूरा का पूरा मसाला डाला है। कितने रुपए का है ये? 50 50 रुपए का भाई, 50 में है ना ऐसी, मतलब ये डिश वगैरह रेडी करके रखते हैं, 50 दो, 20 दो और कट लो, ऐसी वाली बात है। एनीवेज और बहुत सारी आइटम्स है, मतलब ठंडा कुछ खाना पीना हो, जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, चाट वाट हो गया, सब चीज़ें बना लेंगे। मैं मतलब फर्स्ट टाइम इधर आया हुआ अहमदाबाद में, तो डेफिनेटली मानेक चौक करके सेम ऐसा मार्केट है, सेम ऐसा कि जहाँ पर रात को आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में तो डेफिनेटली मैं आया हुआ हूँ, बट या ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंदौर में सराफा बाज़ार के लिए। पकौड़ी मिलेगी आपको, छोटा सा यहाँ पर मंदिर भी है, स्वीट्स मिलेगा आपको ताज़ा ताज़ा ही, गरम गरम रबड़ी मिलेगी, रसमलाई मिलेगी। क्या खाना है भाई अपने को? अरे यार बेसिकली ये तो सब डेजर्ट्स है, हमने कुछ खाना तो खाया नहीं अभी से, खाते हैं क्या खाएंगे, थोड़ा चलते फिर वापस आएंगे। तो मतलब हम उल्टा आ गए ऐसा है क्या? हमेशा। अच्छा तो ये मतलब हम एंड पे आ चुके हैं, मतलब रास्ता हमें मालूम नहीं था, तो ये डेजर्ट्स है, तो इसका जो स्टार्टिंग में यहाँ से देखो कि वहाँ से पूरा मार्केट स्टार्ट होगा एंड एंड में डेजर्ट रहेगा, ठीक है। तो मतलब टेक्निकली इन लोग ने दिमाग लगा के पूरा ऐसा सेटअप किया हुआ है कि आप स्टार्टर से स्टार्ट करो चीज़ें खाना और उसके बाद मेन कोर्स पे आओ और उसके बाद डेजर्ट पे आओ। तो लॉन्डो में दिमाग है, मतलब अहमदाबाद में भी यही चीज़ है, स्टार्टिंग से मतलब एंट्रेंस से आप जाओगे तो आपको स्टार्टर वगैरह से आपको स्टार्ट करना है, मेन कोर्स आएगा और उसके बाद में डेजर्ट आएगा, बहुत सारे बंदे हैं। तो हम लोग अभी अगर फिलहाल में क्या करते हैं कि जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। क्या करना है भाई, हमें स्टार्ट पॉइंट से जाना है कि जहाँ से जो अच्छा दिखे, जो खाने का मन करे वो खा लेंगे? ठीक है भाई, ठीक है, चलो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब क्या खाना वाना क्या सीन है? मुझे उतना स्वीट अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ, बट उतना कुछ मतलब ठीक ठाक वैसा टेस्ट कर लिया, बट उतना मुझे पसंद नहीं है स्वीट्स। तो हम कुछ सबसे पहले ट्राई करेंगे कि कुछ चटपटा स्पाइसी टाइप कुछ मिले, आई डोंट नो फ्रेंकी टाइप हो गया, कुछ रोल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं मतलब। हाँ ओके, घूर क्या रहा है भाई, ठीक है
क्या है ये? अच्छा शोरमा वगैरह है, मतलब पनीर शोरमा पनीर टिक्का। ओके यहाँ पे भी सेम थी, पनीर टिक्का मिलेगा। ये बैंक के लौड़े किधर चले गए मेरे को छोड़ के, देखते हैं। और अच्छा ब्राउनी है जब बंद कर खाली करने को, उसको ब्राउनी है हॉट चॉकलेट के साथ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गोल्ड मैन के साथ में। सर क्या नाम है आपका? आइए नटोलाल नेमा नेमा कुल्फी इंदौर सराबा चौपाटी। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं हूँ अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा अहमदाबाद, तो अहमदाबाद ही बोल देता तो आप समझ जाते कि माणक चौक चौपाटी के हो। तो माणक चौक हमारा ये फेमस है वैसे, और हमारा सराबा। हाँ वैसे ये चीज़ पूछनी नहीं चाहिए, बट हमारे जो व्यूअर्स है उसके लिए पूछ रहा हूँ, ये बोल सचना सही है सर जी? असली है तभी तो नेमा जी कुल्फी के ऊपर है। अच्छा ये कितने किलो का होगा? ये वजन नहीं करता हूँ मैं, खाली पहनने का शौक दिया बाबा महाकाल ने, तो खाली पहन के पूरा करता हूँ। और जब इस दुनिया से जाना है तो यही छोड़ के जाना, तो उसके ऊपर क्या नाच करना सही है? पर आनंद उसका अनुभव मुझे सालों होकर पहनते हुए, और सतत 24 घंटे में तो नहीं पहनता हूँ, रात को सोता हूँ जब खोल देता हूँ, दिन में चार के बाद धारण करता हूँ। तो मुझे क्या है कि मेरी पहचान हो, शौक का पहचान हो, अब रोज पहनना मजबूर है। सोशल मीडिया ने मुझे फेमस ही इतना कर दिया है। आपको डर नहीं लगता? मतलब डर किससे लगता? डर कहाँ ले जाएगा? अरे ले जाएगा तो ये शरीर को तो ले जाएगा एक दिन वो, तो फिर डरना हो भी शरीर के लिए डर, इसको बचा सको तो इसको बचाने की सोचे, जब यही नहीं बचा पाएंगे तो इसके लिए क्या वो करना। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा आप भी यहाँ आए, और अब जो भी आप इंदौर जो भी आए अहमदाबाद से गुजरात से, तो उसके लिए वेलकम है इंदौर सराबा चौपाटी नेमा कुल्फी पे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेमा कुल्फी की कुल्फी खाइए। जय श्री महाकाल, जय जय महाकाल। तो गाइस गोल्डी मैन मतलब गोल्ड मैन के साथ हम लोग है ना मिलने के बाद, मतलब अभी ऐसा सोचा है ना कि आज कुछ है ना अलग बकचोदी करते हैं। तो बकचोदी में हमें सिंपल ये करना है कि भाई स्टार्टर से स्टार्ट होता है, हम लोग आज है ना डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद डेजर्ट टू स्टार्टर जाएंगे। तो ये मतलब कुछ ऐसा दिमाग में आ गया, तो ये बकचोदी हम करेंगे। एंड आई शेयर द एक्सपीरियंस कि कैसा है। जामुन शॉट वगैरह यहाँ पर मिलेगा, एंड हमने ये डिसाइड किया हुआ है रावण खा रहा है कुल्फी, ठीक है। तो बस मतलब यही है कि हम लोग सबसे पहले स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे। एंड ये कुल्लड पिज़्ज़ा है, मतलब चीज़ लोडेड, ठीक है, 150 का। भाई अब कुल्फी तो खा लिया, सुनो एक काम करते हैं, अबे रुको, ये लोग का ऐसा है ना कि बौखला गए है पूरा, और पता नहीं है भाई मतलब कि क्या करेंगे आगे। कुछ खा लेते हैं भाई, अब भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। तो मतलब फूड स्ट्रीट तो है ही, खाना पीना वगैरह तो मिल ही रहा है, और उसके साथ में ऐसा किचन वगैरह छोटा सा मार्केट भी साथ साथ में है कि जहाँ पे आपको फ्रूट्स वगैरह मिलेगा। ये है ऐसा स्मोक पान, ठीक है, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स के ऐसे स्मोक्स स्मोक के पान हैं वो आपको मिलेंगे। अब हम ट्राई कर रहे हैं डोसा। कौन सा डोसा है भाई, ये फ्लेवर या कौन सा है? प्लेन, मतलब प्लेन डोसा है ये। कैसा है टेस्ट? ओके ओके, वो भाई ने बनाते वक्त जब डोसा लगा दिया तो भाई ने मेरे को पूछा क्रिस्पी रहेगा या सॉफ्ट, मैंने बोला आप जैसा बनाओ वैसा। हाँ। बोला अरे तुमको कैसा चाहिए पूछ रहे भाई। अच्छा ऐसा, तू बता भाई। डोसा अच्छा है,
सांभर चटनी सबसे बकवास है। तुमने बूटकैंप में तो बहुत डोसे खाए है ना, तो उसके कंपैरिजन में कैसा है ये? मिल नहीं सकता कहीं पे भाई वो डोसा, नहीं मिल सकता ऐसा, वो एक्सक्लूसिव है वहाँ के लिए। सांभर तो मस्त है भाई। अच्छा सांभर अच्छा है ये, ठीक है मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। सांभर अच्छा है नो डाउट, डोसा ऐसा है कि भाई मतलब ठीक है खाया हुआ है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल टेस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है और कोई चीज़ ट्राई करते हैं अपना। तो गाइस बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ ऐसी चीज़ हमें मिली जो लगा ऐसा कि हाँ भाई ये चीज़ खानी चाहिए, तो छोले कुलचे खा रहे हम लोग। बहुत सारी ऐसी स्वीट चीज़ थी जो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, देखते हैं कैसे बनाते हैं। भैया भैया कितने का है ये? 100 रुपीज़ पर प्लेट है। 100 रुपए का, 100 रुपए का है, इसमें चीज़ वाला अलग है, पनीर वाला है, मसाले वाला है। अच्छा मेरे पास इसमें 10 प्रकार 10 जात के अलग अलग, 10 जात के अलग अलग मिलेंगे आपको। सही है, हर प्रकार में ब्रांडेड थी। तो भैया आप अगर इंदौर आ रहे हो ना तो यहाँ पे आना है, आपको अलग अलग वैरायटीज मिलेगी आपको छोले कुलचे की। ठीक है दीदी का नाम है अंजलि जी, नाम ले लग तो रहा है भाई सफाई से कि मतलब टेस्ट वगैरह जो होना चाहिए वैसा देगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तू खाएगा छोले कुलचे? छोले नहीं खाएगा, टेस्ट करके देखो। भैया मैं तो आ चुका हूँ पहले, ये वाला टेस्ट करके देखो मेरे, ये वाला। लेकिन हाँ भाई सही है, आपके यहाँ ही खा चुका हूँ, आपके यहाँ ही खा चुका हूँ, पर मैं आगे ऑलरेडी दो डोसे खा के बैठा हूँ। ये डोसे रह गए थे। वाह है ना गोल्डी भाई। चलो इसको हम अभी खाएंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस वगैरह रहता है। सबसे पहला टेस्ट है ना मैं इसको करवाता हूँ। ले ले भाई। सर योर डिश इज़ रेडी, आप बताओ क्या है सेटअप, खाना वगैरह का सब कैसा है? मैं बैठ जाता हूँ इधर, बताओ बता भाई, तू खा के टेस्ट करके बता, मैं भी आ रहा हूँ। लूंगी अभी है ना, मेरे को भी खाना है, मतलब मैं भी टेस्ट करके चालू कर दूँगा। मैं भी टेस्ट करके ऐसे देख रहा हूँ कैसा है भाई। अच्छा रूढ़ी ना, नहीं मतलब भाई चेक कर रहा हूँ कि कैसा है। और अहमदाबाद वाले है ना, हम लोग गोल घुमाते हैं बात को, इसलिए क्या कहना है रावण भाई तुम्हारा इसके बारे में? अच्छा है भाई, सही है। पैसे देने? पैसे तो देंगे ना भाई, ना कपड़े वपड़े सब। अच्छा लगा तो पैसा देने होते ना। हाँ कपड़े वपड़े सब निकाल देंगे, नहीं वो सिर्फ बोलते ही दिया है, बाकी सब निकाल देंगे। हाँ कर जाएंगे वालों, ट्राई कर लिया है उसमें वॉक नहीं कर रहा है, तो इसमें हम ट्राई करेंगे। ये मुझे V94 जैसा कुछ लग रहा है, और 50 रुपये के 10 का देखते हैं कितना लगेगा। ये नहीं लगा पा रहा, मतलब इसमें भी काम नहीं कर रहा है अपना। कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। ये भी हो गया, मतलब क्लोज रेंज भी नहीं हो रहा, मिड रेंज भी नहीं हो रहा। आप कैसे काम दे रहे हो? बनाओ मेरे और
मेरा वीडियो चल रहा है स्वीट वगैरह गाइस खा लिया है, इधर से पैक वगैरह कर लिया है। अब इसमें सीन सबसे बड़ा ये है कि 2 बजे ये मार्केट है ना बंद हो चुका है, मतलब बंद हो जाता है। 157-158 हुआ है और पुलिस का सायरन वायरन वगैरह यू नो स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग अभी करेंगे खाने पे फोकस, व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि व्लॉग वगैरह अगर करते रहे गेम्स वगैरह करवा देंगे तो लौड़े लगेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप इंदौर के सराफा बाज़ार में आए हो तो कौन सी जगह पे आए थे और कौन सी डिश आपने खाई थी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड।